सोनुड़ी जल्दी जल्दी पैक कर ले सोनुड़ी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम ही अभी खाना खाएंगे, मिलते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा सीन खराब है अभी तो सोचा नहीं। दोस्तों ये अंकल जी हैं, इनके घर हमने खाना खाया है और ये इनका घर है। और यहाँ से अभी अंकल जी से विदा लेके निकलेंगे। आगे एक मंदिर है चतुर्भुज जी महाराज का, तो वहाँ निकलेंगे। फाइनली दोस्तों अंकल जी घर खाना खा के हम अभी निकल चुके हैं। और निकलने के बाद अंकल जी का व्यवहार इतना अच्छा था, इतना अच्छा कि बताने सीखते। तो अंकल जी ने हमें नंबर दिए और बोले कि अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल करना है, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगा, फुल हेल्प करूँगा। और अंकल जी बोल रहे हैं कि आगे जाओ तो मेरे को ज़रूर बताना, एक बार कहाँ पर भी हो मेरे को बताना ज़रूर। फाइनली दोस्तों चलते चलते काफ़ी दूर आने के बाद हमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बहुत सारे लोग मिले थे। पहली बार गांव में इतने सारे लोग एक साथ देखने को मिले जो खेत में काम कर रहे हैं। दोस्तों नागौर में 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहली बार हमें मोर दिखाई दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे जीरे की खेती होती है, नागौर साइड में होती है और ये मसाले ज़्यादा ही पैदा करते हैं। यहाँ पे सौंफ और जीरा इधर ही होता है नागौर के अंदर, सौंफ है यहाँ पे। तो दोस्तों 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें अभी बुटारी धाम पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे जो लोग लकवा मार देता है हमारे गाँव के भाषा में वैसे पैरालाइसिस, उसका इलाज यहाँ पे फ्री में होता है। आगे चल के मिलवाएंगे और उसके तो पुजारी से बात करेंगे, अभी चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम बुटाटी धाम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो सभी लोग पैरालाइज हैं। जो यहाँ पे भी आते हैं उनका यहाँ पे पैरालाइज ठीक होता है, यहाँ पे रहना पड़ता है। पता नहीं ये तो पता नहीं कितने दिन रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में इलाज होता है, फ्री में खाना मिलता है। यहाँ का खाना खाओ और तेल मालिश करो, यहाँ से तेल मिलता है उसकी मालिश करो, उसके बाद ठीक हो गई जाता है यहाँ से लोग। तो ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ के अंदर, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अभी मंदिर चलते हैं, मंदिर। फाइनली दोस्तों ये मंदिर है, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये इनका चैनल है बुटारी धाम मंदिर। दोस्तों ये बुटारी धाम है चतुर्दास जी का मंदिर जो नागौर के पास में है। तो इसमें देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे सभी पैरालाइज मरीज हैं और यहाँ पे ठीक हो के ही जाते हैं, फ्री में इलाज है। दोस्तों एक बार ज़रूर आओ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर किसी को प्रॉब्लम, किसी भाई को, तो ज़रूर उसको बताओ और यहाँ पे ज़रूर आए, जिससे उसको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। दोस्तों अभी चलते चलते हमें रात हो चुकी है, हम नागौर से सीधा जोधपुर के लिए निकल चुके थे। तो दोस्तों फाइनली हम राधा सर्वपल्ली राधा कृष्ण के नाम से यहाँ पे आयुर्वेदिक विद्यालय वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पास में हमने नाश्ता किया है और आगे जा रहे हैं जहाँ पे टेंट लगाने की हमें कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे टेंट लगाएंगे और सोएंगे अभी। हेलो दोस्तों, फाइनली अभी हम जोधपुर पहुँच चुके हैं, जोधपुर से लगभग 16 किलोमीटर पीछे हैं। तो अभी यहाँ पे होटल है, यहाँ पे खाना खा रहे हैं और यहाँ खाना खाने के बाद अभी निकलेंगे। आगे देखते हैं कि आज हमें कैंपिंग करनी है जंगल के अंदर, जंगल के अंदर कैंपिंग करेंगे। तो देखना वीडियो आएगी क्या होता है जंगल के अंदर। दोस्तों फाइनली चलते चलते बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो अभी हमें ये जंगल सा मिला है यहाँ पे। हाँ। ये देखो अभी हम इस जंगल के अंदर जा रहे हैं, एक पैसा गाड़ी सुनो, और इस जंगल में है ना कैंपिंग करेंगे हम लोग अभी। आज देखते हैं रात को क्या होता है सीन। तो फाइनली झाड़े से बचते हुए, सुनो झाड़े से बच के आना, आजा आजा आजा। हाँ तो दोस्तों ये देखो पास में आगे हाईवे से आगे चलेंगे बहुत दूर। फाइनली हमें कैंप की जगह मिल चुकी है। ये देखो यहाँ पे पूरा जंगल सा है, पूरा जंगल है यहाँ पे, आसपास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। तो अभी हम जंगल के अंदर कैंपिंग करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं और फिर थोड़ा और अंदर आते हैं जंगल के अंदर और यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, ये जगह बेस्ट है। तो सोनू अपना टेंट उतार और कैंपिंग, हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। इधर ये जंगल है, ये पूरा जंगल है, जंगल के अंदर है। अभी लाइट का थोड़ा, सुबह आपको जंगल पूरा दिखाऊंगा मैं, लेकिन है जंगल में अभी, देख लो। फाइनल दोस्तों हमारी तो अभी से फट रही है, क्या होगा नाइट में। तो कैंपिंग करना ज़रूरी है, झाड़ी झाड़ी है चारों तरफ, डर लग रहा है। यहाँ पे जंगली सुअर है यहाँ पे, और कोई जानवर नहीं है जंगल में,
लेकिन जंगली सुअर जरूर है। फाइनली सोनू ने टेंट तैयार कर रहे हैं, सोनू टेंट तैयार कर रहा है, कर ले भाई ये जगह मिली हमें। और अभी अभी टेंट, हेलो दोस्तों, नागौर चलते चलते हमें रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम जंगल के अंदर कैंपिंग कर रहे हैं। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, पास में हाईवे है, हाईवे के पास में ही है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी जंगल है, पास में कोई जगह नहीं है, हाईवे के पास में कैंपिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके और अभी हम सोने जा रहे हैं। राज भाई हैं, जो भी सो जाएंगे, मेरे को वीडियो एडिट करनी है तो मैं वीडियो एडिट करके फिर सोऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहो तो हम जल्दी बन के आसपास होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों मुझे वीडियो एडिट करते करते अभी फाइनली 12 बज चुके हैं और जस्ट ये ऊपर हमने मोबाइल लगा रखा है टेंट की लाइट के लिए। और ये देखो, इसको देखो, ये सो रहा है आराम से और मेरी इतनी फटी फटी है कि मेरे को नींद तक नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, साइड से ना सोवर की आवाज़ आ रही है। दोस्तों कोई ना कोई जानवर है, जानवर है। टेंट के बाहर पहुंचे तो आवाज आ रही है जैसे कोई जानवर। सुन ये सुन, बाहर देखो, बाहर बाहर देख, सुअर है, सुअर ना, छोड़ो आपको बाहर ने आओ हैं बाहर आ गए रमी ओए ओए खड़ो है। ये देखो इसको, सुअर आ गया, बाहर सुअर है, सुअर चुपचाप है, पता नहीं सुअर है या और कोई है। दोस्तों बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है मेरी तो, और इसको नींद आ रही है। मैं अभी वीडियो एडिट करके सोने ही वाला था कि मेरे को अजीब सी आवाज़ आ रही है बाहर से, आप ही ध्यान से सुनो, शायद से कुत्ते भौंक रहे हैं। ये देखो इसको तो कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों मेरी फटी पड़ी है, मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट। मैं अभी सो रहा हूँ, मैं लाइट बंद करके सो रहा हूँ, मौका जो देखा जाएगा। ये ऊपर लाइट है अभी, लाइट बंद कर दी है मैंने, और ये देखो बिल्कुल अंधेरा है, चारों तरफ बस हाईवे की आवाज़ है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं फिलहाल सो रहा हूँ और शाम भगवान कहाँ फंस गया मैं, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। दोस्तों वैसे मैं भी जंगल से हूँ लेकिन मैं अच्छे से आवाज़ से बाकी हूँ, उनकी सुअर की आवाज़ है। नहीं दोस्तों दो आवाज़ें आ रही हैं, अजीब सी आवाज़ आती है, मेरी फटी पड़ी है बुरी तरीके से। दोस्तों मैं मोबाइल बंद करके अभी सो रहा हूँ, होगा जो देखा जाएगा। गुड नाइट दोस्तों, सुबह जिंदा रहे तो वीडियो डालूँगा, पता नहीं क्या भी होगा, जो भी है सुबह देखते हैं। गुड नाइट, बाय।